ऋषि कंट्रोल कंट्रोल ऋषि, अरे यहां तो प्रूफ ढूंढने आया यार, प्रूफ ढूंढ। चल जल्दी इसकी अलमारी चेक कर, देख अलमारी में इसके अकेले के कपड़े हैं या उस घोंचू के भी। ऋषि आया था? नहीं, सपना देखा होगा। देखो देखो गुलाबी गुलाबी पत्तियां हैं। हाँ, कल भी आप ही आओगे ना दूध लेके? यार वो क्या है ना, कल का तो पता नहीं पाजी, पर अभी जो ताजा ताजा दूध दिया ना उसे गर्मा गर्म चाय बना के लाओ। जा चाय? हाँ अरे गुलाबी पत्तियां ताजा ताजा नया नया, फिर रोज दूध चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना, तो जाओ जाओ चाय बना के लाओ। अरे पाजी जाओ ना चाय बना के लाओ, जाओ गर्मा गर्म चाय। अरे भैया आप कौन? ओ, यहाँ क्या कर रहे हो? पाजी कौन हो तुम? तुम अंदर क्या कर रहे थे? कौन हो तुम दोनों? क्या विनोद, इधर ही रुको। विनोद क्या सर? कौन है ये दोनों? सर ये दूध 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 वाले हैं सर। दूध 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 तो बाहर से दूध ले सकते हो ना, अंदर क्यों बुलाया? गेट लॉस्ट। ओए बाबा सर, सत श्री अकाल सतम भाई। तुमको मैंने कहीं देखा है? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी क्यों चटाई? क्यों चटाई चटनी? टंटन 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 चलो जाए 9-2-11। आगे वो दोनों, तुम कर क्या रहे हो यार? सर पता नहीं अभी तो यहाँ से पता नहीं कहाँ गायब हो गए सर। अगली बार अगर ऐसे कोई भी घर में आया ना तुम उनके साथ जाओगे यहाँ से, देख लेना। अरे क्या हुआ पाजी, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? हुआ क्या? हाँ क्या हुआ? 100% यकीन हो गया कि दोनों पति पत्नी नहीं है। क्या बात हो रही है? पति पत्नी नहीं है, पति पत्नी नहीं है, नहीं है, पति पत्नी नहीं है। इस बात का सबूत तो दे दो। क्या सबूत? मेरा सबूत है ना क्या कि दोनों एक साथ कमरे में नहीं सोते, यही सबूत है। एक मिनट एक मिनट, देखो यार मैं और आना ना 15-15 दिन तक एक साथ नहीं सोते, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम दोनों शादीशुदा नहीं है, नहीं समझे? देखिए ऋषि भाई, जब आप डायरेक्टली तनुजा के पास में जाओगे और बात करोगे ना तो एक ठोस सबूत चाहिए, समझो बात को, जैसे कि आधार कार्ड, लाइसेंस, ये पासपोर्ट, जिससे जिससे स्पेसिफिकली हो जाए कि वो शादीशुदा नहीं, उसका सोलो नेम हो, सरनेम नहीं हो एके पीके के साथ में, समझे? डॉक्यूमेंट मुझे मुझे याद नहीं जाता। सामने खड़ी हो गया तनुजा तो मैं उसको ऐसे करके देखता रहा, इतनी पिटी लग रही थी पंजाबी यार। ऋषि भाई मैं आपके हालात आपके जज्बात समझता हूँ, बट सुनो ना, फोकस करो, डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे तनुजा को घर वापस ला सके। चलो ना यार, मैं अपनी भाभी को घर लेके आऊंगा वापस, चलो आ जाओ, चलो भाभी को वापस घर लाना है, आ जाओ। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग, चलो आ जाओ बैठ जाओ। मम्मा चमत्कार हुआ क्या? कैसा चमत्कार? मम्मा वो आप मून अंकल से कह रही थी ना, तो मैंने भी मून अंकल से कहा कि मून अंकल मम्मा के लिए एक चमत्कार करो ना, वो हुआ क्या? देखा मून अंकल मेरी हमेशा मान मानते हैं, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। बालों में कौन मेकअप करता है? आज आप बिल्कुल आहारा मासी जैसी लग रही हो। ऐसा क्यों? कि जैसे आपने बालों में रेड रेड लगाया है ना। मैंने नहीं लगाया, गलती से लग गया होगा। रेड नहीं लगा रहा था और मून अंकल ने लगा दिया ना। मम्मा पता है आज आप बहुत 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 ब्यूटीफुल लग रही हो। आई लव यू मम्मा। आई लव यू टू। चलो जाओ स्कूल के लिए रेडी हो जाओ।
ये रेड रेड आप रोज लगाना और थोड़ा अच्छे से लगाना। मुझे बात समझ में नहीं आ रही यार। पहले मुझे लगता था कि वो शादी के बंधन में बंधी हुई है इसलिए मेरे पास नहीं आ रही है, पर अब तो ऐसी कोई बात नहीं, अब तो बेटी भी मेरी है यार, फिर मेरे पास क्यों नहीं आ रही? नहीं भाई, बात क्या है ना, नहीं छोटे, अभिषेक को लेकर आज तक मैं दिल दुखाते आई और अकेले में जाके फिर होती है यार। बस अब मैं जानना चाहता हूँ कि वजह क्या है, बस क्यों करती है सब? अरे भाई, ऋषि भाई, भाई क्या हुआ? अरे हुआ क्या है भाई? कुछ नहीं। अरे यार सुबह तक तो इतने खुश था। हाँ, मैं खुश था, मैं बहुत खुश था। जब मुझे लगा कि तमुजा दिखावा करिए, मुझसे प्यार करती है, लेकिन शायद दिखावा करिए, पर पता है क्या, अब मुझे एहसास हो रहा है इस बात ने मुझे झंझोर के रख दिया कि जब भी मैंने उससे माफी मांगी, कितनी बार मैंने प्यार की दुहाइयां दी, कितनी बार मैं गिड़गिड़ाया कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर मुझसे गलती हुई तो मुझे माफ कर दो, हमेशा कहती थी कि चले जाओ, मुझे दूर चले जाओ। अरे क्यों चले जाओ यार, इस बार मेरी क्या गलती है तू बता, इस बार क्यों कह रही मुझसे कि चले जाओ? कहीं ऐसा तो नहीं छोड़े कि वो सच में चाहती कि मैं दूर चले जाऊँ? अगर चाहती है तो मैं पूछूंगा क्यों, बस बहुत। अरे अरे ऋषि भाई, आप समझने की कोशिश करो ना यार, जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता कि वो शादीशुदा नहीं है, तब तक आपके किसी भी सवाल का वो जवाब नहीं देने वाली, आपसे बात ही नहीं करेगी। करेगी। अरे यार ऋषि भाई, बात तो अब क्या गड़बड़ करेंगे यार ये। नताशा और अभिषेक मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर है, मैं उन लोगों के बिना नहीं रह सकती। आप देखिए ऋषि सिंह बेटी, अब ना हमारे बीच कुछ बचा नहीं है, तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से प्लीज हमें अकेला छोड़ दो ऋषि, प्लीज। तमिचा क्यों तुमने इतना बड़ा झूठ कहा मुझसे, क्यों? वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर हैंडसम। गुड मॉर्निंग किटी पाई। मम्मा मैं तो अपना पेंसिल बॉक्स भूल ही गई। मैं लेकर आती हूँ, पहले इतना लेट हो गया है। मैं भी स्कूल जा रही हूँ, आपसे अभी बात नहीं कर सकती, शाम को मिलते हैं। शाम को क्यों मिलते? मैंने मम्मा को झूठ बोला है कि मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, तो रेसली मैं आपके घर आऊंगी। बिल्कुल मेरे जैसी हो, वो तो बचपन से। नताशा तुम्हारा पेंसिल बॉक्स वहाँ रूम में नहीं है, तो बैग में ही होगा। बैग में ही होगा तो Bye. ये तुमसे क्या बातें कर रही थी? वो मेरे और उसके बीच की बात है। तुम बताओ, तुम्हें कोई बात करनी है? मुझे कोई बात नहीं करनी। नहीं, ऐसे बातें छोड़ो, बातें तो होती रहेंगी, पहले मुझे अपने हाथों की गरमा करो, अदरक वाली चाय पिलाओ, फिर बातें करेंगे। Exactly. जब भी मेरे सामने आती हो, जब भी मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ ना, तुम बहुत डर जाती हो, जैसे कोई बात है तुम मुझसे छिपा रही हो, कोई ऐसी बात है जो तुम नहीं चाहती कि मुझे पता लगे। बोलो ना, चुप क्यों हो? ना मैं तुमसे डरती हूँ और ना ही मैं तुम कोई बात छिपा रही हूँ तुमसे। मेकअप चाय पीनी है ना? हाँ। तो बना देती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है तनुजा, बहुत बड़ी। अगर ऋषि को इतनी बड़ी सच्चाई का पता चलता तो वो तुझे अवार्ड देता, नहीं धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देता। बस अवार्ड नहीं, मैंने जब जब ऋषि को सच्चाई बताने की कोशिश की, उसके साथ रहने की चाहत ने
मेरी हर कोशिश नाकामयाब करती। शशि को पूरा हक है जानने का कि अभिषेक तनुजा की शादी नहीं हो, कि वो दोनों पति पत्नी नहीं है। विनोद। यस मैम। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वो नताशा बेबी के लिए कुछ सामान लाना है तो मैं बाहर जा रहा हूँ। तो बाद में चले जाना। मैम 11 बजे तक दुकान बंद हो जाएगी। ओह ठीक है। बाकी चाय बहुत अच्छी है। वैसे अगर तुम्हें हमेशा डर लग रहा है तो तुम दरवाजा खुला रहने दो। ओके। मुझे तुमसे क्यों डर लगेगा? तुम बताओ तुम्हें क्या बात करनी थी। देखो तनुजा, तुमने आज तक मुझ पे कई इल्जाम लगाए, कुछ सच थे कुछ तुम्हारा भ्रम, राइट? अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाओ अपने भगवान के वास्ते कि आज जो तुम कहोगी सच कहोगी, झूठ नहीं कहोगी। कोई ऐसी बात जो तुम मुझसे छिपा रही हो तो तुम्हें मुझे बता देनी चाहिए थी। कैसी बात है? हाँ। गुड। तो उस बात को छिपाने की वजह क्या थी? नहीं मतलब तुमने नताशा के बारे मुझे क्यों नहीं बताया? घर जिम्मेदार पिता होते तो बता देती। ठीक, अभिषेक बहुत ही जिम्मेदार पिता है, वेरी रिस्पॉन्सिबल। तो सो कॉल्ड जिम्मेदार पिता से तुम्हारी शादी कब हुई? शुभ विवाह का डेट कौन सा था? कुछ कहा तुमने? क्या हो तनुजा, कहाँ जा रही हो, चुप क्यों? बताओ ना वो कौन सी डेट थी जिस दिन तुम्हारी शादी अभिषेक से हुई? मुझे भी जानना है। मिस्टर ऋषि सिंह बेदी। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं जब मैं अपने घर ना रहूं तो प्लीज मेरे घर मत आया करो। क्या हुआ, जवाब नहीं सोच रहे? क्या सोच रही? मैं इंतजार कर रहा हूं तनुजा। और मैं तनुजा की इज्जत कर रहा हूं। उसने मुझे कहा है तुम्हारे साथ झगड़ा ना करूं, इसलिए लास्ट टाइम शराफत से कह रहा हूं चले जाओ यहां से। गो अभिषेक। अभिषेक रहने दो प्लीज, प्लीज रहने दो। कोई बात तो जरूर हुई है, वरना ऋषि अभिषेक से मेरी शादी के बारे में मुझसे क्यों पूछता? कहीं उसे कोई शक? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ऋषि, मैं तुम्हें और टूटते हुए नहीं देख सकती, इसलिए आज तुम्हें बता रही हूं कि जिस तनुजा से इतना प्यार करते हो वो तनुजा भी तुमसे बहुत प्यार करती। और ऋषि, तनुजा ने अभिषेक से शादी नहीं की, वो दोनों पति पत्नी की तरह रहते जरूर हैं, पर वो दोनों भी हमारी तरह असल में पति पत्नी नहीं। असल में तो तनुजा अभिषेक की केयर टेकर है। और ऋषि, तनुजा शायद आज भी तुम्हारे पास होती अगर 7 साल पहले मैंने उस रात तनुजा को हम दोनों की छूटी तस्वीर नहीं दिखाई होती, हम दोनों एक बेड पे एक साथ। ऋषि, उस झूठ के बुनियाद पर मैंने तुम्हारा सच्चा प्यार पाने की कोशिश की। हो सके तो मुझे माफ कर देना नेत्रा। रुक जाओ ऋषि, अपने सवाल का जवाब सुन के जाओ।
यही जानना चाहते हो ना कि मेरी और अभिषेक की शादी कब हुई? तब की जब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। तब की जब नताशा इस दुनिया में आई थी। तो बताओ ना किस दिन शादी हुई, मतलब तारीख तारीख दिन महीना साल। तो बताओ ना किस दिन शादी हुई, मतलब तारीख तारीख दिन महीना साल। ये अचानक से तुम मेरी जिंदगी, मेरे पास्ट, मेरी शादी के बारे में क्यों जानना चाहते हो? तुमने सवाल का जवाब नहीं दिया, किस दिन तुमने अभिषेक से शादी की। देखो ये एक ऐसी डेट है जो हर लड़की को मुंह जुबानी याद रहती है, तुम तो याद रहनी चाहिए। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम लगते कौन हो मेरे जो मैं तुम्हें बताऊं? मेरे बेटी के बायोलॉजिकल फादर हो बस, और कुछ नहीं। मत भूलो मेरे लिए इस दुनिया में सिर्फ दो लोग मायने रखते हैं, एक अभिषेक जो मेरा पति है, और दूसरी नताशा जो मेरी बेटी है। जाओ तनुजा, आज इतना बड़ा झूठ बोल के मुंह फेर के चली गई ना, जाओ। पर हम फिर मिलेंगे और फिर बात करेंगे, और इस बार सबूत के साथ बात करेंगे। ऋषि पे गई है नताशा, कैसे सामान पूरा बिखेर दिया है सब। ये लड़की ना किससे कहना मत, मैं यहाँ पर हूँ। क्यों क्यों? बस ऐसे ही मत बताना प्लीज। मैं तो सबको बताऊंगी कि मिस्टर सब यहाँ है। क्यूटी भाई, अगर आपने जाके कुछ भी बताया किसी को तो मैं आपकी मम्मा को बता दूंगा कि हर रोज स्कूल के बाद तान्या से खेलने मेरे घर आते हो। ओ, इतनी छोटी सी बच्ची को ब्लैकमेल करते हो? क्यों नहीं? अगर एक शर्त है। अरे आप सारी कंडीशन, ऐसा लग रहा है मेरा बचपन। आपको मुझे आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। जितनी आइसक्रीम खाना हो आप खा लेना, पूरे साल खा लेना, जो भी आइसक्रीम खाना हो आपकी फेवरेट रेस्टोरेंट में भी। ओके नताशा, तुम किससे बात कर रही थी? मिस्टर हैंडसम कहाँ है? मिस्टर हैंडसम वो वहां सोफे पे। ये मिस्टर हैंडसम। चलो सोने का टाइम हो गया। नताशा को दूध दे दिया? सर मैं देने ही जा रहा हूँ। मुझे दे दो, मैं उसको दे देता हूँ। क्यों लगा जैसे कोई है?
मेरा वहम होगा। शिवाय आप डरा दिया ना यार। अरे एक मिनट, आप तो तनुजा के घर गए थे ना सबूत मांग। अरे खाक सबूत मिला यार, सबूत निकालेगा तो तनुजा आ गई, तनुजा गई, नताशा गई, नताशा गई, फिर तनुजा आ गई, तो सबूत कैसे मिलेगा यार? इन शॉर्ट सबूत नहीं मिला, राइट? कुछ नहीं मिला यार। एक मिनट, एक आइडिया। अरे कैसा आइडिया? अरे शिवाय आप भूल गए क्या? पवन चमन को, पवन चमन के घर कैसे गए थे हम? जब वो घर पे नहीं था तो डुप्लीकेट चाबी बनवा के घर के अंदर गए थे, सब लेके बाहर आए थे। रिमेंबर? व्हाट एन आईडिया यार। भाई किसका है? गुड गुड, नाइस। बस अब हम लोगों को यही करना है। जब अभिषेक अपने ऑफिस जाएगा और तनुजा नताशा को छोड़ने स्कूल जाएगा, तब हमको मौके पे चौका मारना है। हाँ, क्या बोलते हो? नहीं यार, मेरे को अभी दिमाग में आइडिया है कि अगर अगर तनुजा नताशा छोड़ने नहीं गई फिर क्या होगा यार? जैसे आज भी उसके बॉडीगार्ड छोड़ने गए थे यार, फिर क्या करेंगे यार? ये भी है। आना, अरे आना। आना किस काम आएगी? आप वो मेरे पे छोड़ो, ओके? आना क्या करेगी यार? आना बहुत कुछ करेगी भाई। हाँ, गलत तो है। गलत नहीं, आना बहुत ज्यादा गलत है। हाँ देखो यार, तुम बोलती हो ना कि तुम तनुजा को अपनी बहन मानती हो, उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हो, तुम उससे मिलती क्यों नहीं बाहर जाके फिर? अरे मैं तो उससे बहुत बार मिलना चाहती हूँ, पर तुम मॉम को जानते हो ना वो कैसी है, अगर मैं तनुजा से मिली तो वो कितनी नाराज हो जाएंगी। बाहर? हाँ, क्योंकि देखो घर पे रहोगी तो तनुजा को मतलब ट्रबल होगी ना, इतना खाना पीना सब बनाना पड़ेगा। हाँ। तो तुम रेस्टोरेंट में जाके मिलना, आराम से खाना पीना मजे करना ऐश करना, है ना? बहुत अच्छा आइडिया। सुनो ना, कहो ना। देखो ना, ये किसके लिए? प्यार के लिए। अब किससे प्यार हो गया? तुमसे। तुमसे। इतनी बार बोला है पानी का बोतल अपने साथ अंदर लाए करो, लेकिन नहीं, हमेशा भूल जाते हो। क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो? मैं तो बस ऐसे ही खड़ा हूँ, मुझे वैसे सोने जाना है, मेरा बेड इधर है, तुम भी सोने चली जाओ, काफी लेट हो गया ना। गुड नाइट। गुड नाइट। सुनो ना, कहो ना। देखो ना, क्या प्यार, प्यार प्यार से अगर तुम्हें मुझ पर गुस्सा है ना, तो जोर से थप्पड़ मत मारना। थप्पड़? नहीं, मैं तुम्हें थप्पड़ क्यों मारूंगी? मारूंगी, मारती, मैं सोता हूँ। गुड नाइट। जस्ट सोने जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। हाँ, मैं भी सोता हूँ, तुम भी सो। गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट। पागल। एक बार सबूत मिल जाए कि तनुजा अभिषेक की पत्नी नहीं है, फिर जाके बात करूंगा, फिर बोलूंगा कॉन्फिडेंटली। लो, बोलती थी ना तुम शादीशुदा, अब बोलो। अरे ऋषि भाई, गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, चलना नहीं है क्या? उठो। 5 मिनट समय दे। अरे यार, 5 मिनट ऋषि भाई, प्लीज उठ जाओ ना यार, जल्दी प्लीज। ऐसे नहीं उठोगे। मॉर्निंग मॉर्निंग। पहले ना मुझे ऐसी जगाते थे ना, ऐसी जगाते थे ना कि मजा आया। अरे ऋषि भाई, फिर से गीला कर दिया यार, मैं ऑलरेडी नहा के आया हूँ।
अच्छी बात है, या फिर ना क्या, फटाफट जा जाते हैं यार, सबूत ढूंढना है कि नहीं, हाँ। तनुजा वापस लाना है, चल जा जा जा, 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 जा के फिर और थोड़ा और चल जा, रो जा जा। हाय हाय, क्या चाहिए? तुम अभी तक गई नहीं? कहाँ? अरे कहाँ क्या, तुम तनुजा के घर जाने वाली थी ना उससे मिलने। अरे हाँ, मुझे जाना तो था लेकिन घर में इतने काम है, मैं कैसे जाऊँ? क्या क्या काम, क्या काम? वो पापा जी और बीजी के लिए दवाइयाँ लानी। मैं सुबह ले आया हूँ। और क्या काम? तुम ले आए? हाँ मैं ले आया हूँ। और काम बताओगे? और तानिया को स्कूल से लाना है। तानिया को स्कूल से मैं ले आऊंगा। और आगे और क्या काम? और उसके अलावा मुझे किचन में काम है जो तुम मुझे करने नहीं दे रहे। अरे काम बिना तुम ऐसे बात नहीं होगी। काम करता हूँ, तनुजा को फोन करता हूँ। अरे तुम्हारी और तनुजा के लिए सीट बुक कर दी है रेस्टोरेंट में, जाना आराम से, खाना पीना, ऐश करना, बातें करना, गपशप करना। हेलो तनुजा, तनुजा, तनुजा बात करो। हाय तनुजा। हाय आना, कैसी हो तुम? हाय मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो ना, मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि मैं तुमसे मिलूं। बिल्कुल मिल सकते हैं। और ये कोई पूछने की बात है क्या? बताओ कब मिलना है। आज मिले? ठीक है आज मिल लेते। ठीक है तो फिर आज ही हम मिलते हैं, ढेर सारी बातें करेंगे। डेढ़ घंटे में? डेढ़ घंटे? डेढ़ घंटे में? डेढ़ घंटे में? डेढ़ घंटे बाद? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, तो हम डेढ़ घंटे में मिलते हैं। ठीक है डेढ़ घंटे में? डेढ़ घंटे का क्या हिसाब है? कोई हिसाब नहीं है। लव है लव, और मेरी क्यूटी में स्वीटी में ब्यूटी, लव यू बाय। अरे यार एक पीछे निकलना, काम धंधे पे ध्यान दे, बाहर निकलना जा। बेचारे का फोन आ गया। अब हाँ छोटे कैसा है? हाँ सुनो, वो एकेपी के ऑफिस के लिए निकल गया। ओके, अब विनोद भी सब्जी लेने बाहर निकल गया। आना को फोन कर दिया, वो ऑन द वे है, वो आएगी तब जाको लेके रेस्टोरेंट चली जाएगी। और मैंने ना रेस्टोरेंट पे ऑलरेडी बुकिंग कर दी है, तो बस फिर कर खाली और हम दोनों मवाली मौके पे चौका मार लेंगे, सबूत ढूंढ लेंगे। ठीक है आप आ जाओ, चाबी वाले को लेके जल्दी से आ जाओ। हम लोग आ ही रहे हैं, चलो। ओके मनप्रीत, तुझे तो जासूसी का बिजनेस खोल लेना चाहिए, सुपर डुपर हिट हो जाएगा बेटा। हाय। बोलो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भाभी मतलब गाड़ी खराब हो गया, कोइंसिडेंटली तुम्हारे घर के सामने खराब हुई। यहाँ मुझे गाड़ी खराब नहीं, लेकिन कुछ तो जरूर है जो मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे पता है तुम यहाँ कुछ करने आए हो, बट यू नो व्हाट, आई डोंट केयर। सुनो, हाँ तुम दोनों गेट के सामने आ जाओ और आते जाते लोगों पर कड़ी नजर रखना। यू सी, मैंने ये सिक्योरिटी रखी है, इसलिए अभी तुम जो कुछ करने वाले हो ना करो, ये दोनों तुम्हें देख लेंगे। हैव अ नाइस डे छोटे। अब इसे यहां से कैसे भगाऊं? आ गई मेरी घरवाली, आ गई। हाँ तनुजा मैं पहुंच गई हूँ, बाहर आ जाओ ना। हाय, बाहर क्या कर रही हो? अंदर चलो ना। और वैसे भी मेरी हाथ की बनी हुई चाय नहीं पियोगी क्या?
वैसे भी घर में कोई नहीं है और इतनी गर्मी में बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। चलो अंदर चल के ढेर सारी बातें करेंगे। चलो हाँ बोल। सर मैं आना तो आ गई है पर वो दोनों ना अपना मिलाप ये बहनों वाला मिलाप घर के अंदर कर रहे हैं यार। हाँ नहीं नहीं हम भी नहीं पहुंच रहे हैं साथ में अंकल मतलब भैया भी है। और वो एके पीके ने भी मुझे देख लिया गार्ड लगा दिया गेट पे प्लान कैंसिल सॉरी बाय। ये लो चाय। थैंक यू। बताओ कैसी बनी है। बहुत अच्छी है। मनप्रीत है ना। तुम मुझसे पूछ रही हो तुम नहीं पहचानती अपने हस्बैंड को। नहीं मैं रीकंफर्म कर रही थी ये मनप्रीत यहाँ क्या कर रहा है। उसे भी बुला लो ना घर पे। गुड आइडिया। मैं पकड़ती हूँ। थैंक यू। आना। हाँ आना बोलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं अंदर आता हूँ। माय गॉड कहाँ तो ताले तोड़ने की सोच रहे थे वहां तो सामने से इनविटेशन आ गया। अब तो तनुजा को मेरे ऊपर शक भी नहीं होगा। मैं किसी ना किसी बहाने से पूरा घर छान मारूंगा। कोई ना कोई तो सबूत मिल ही जाएगा कि तनुजा की उस मंकी शंकी से शादी नहीं हुई। किस्मत इतनी खराब है बस पूछो मत। चाबी वाला मदद कर रहा है। भगवान बिल्कुल कोई कोई मदद नहीं। किससे क्या पूछूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। समर अभिषेक का दोस्त बचपन का दोस्त और एम्प्लॉय भी। समर फोन उठा यार। जी आइए ना मैंने खाना लगा दिया। चलिए यहाँ चलो बीजी। बैठो बीजी बैठो। नेत्रा नेत्रा क्या ये क्या ये बोलो सबको क्या ये क्यों किया तुमने ये सब। बोलो तुमने क्यों किया ये सब। ऋषि पुत्र चिल्ला के क्यों बात कर रहा है आराम से बात कर लेना। जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती कैसी गलती पुत्र जवाब दो सबको बोलो। जी मैंने वो क्या नेत्रा सबको जवाब दो तुमने क्या किया है। ऋषि पुत्र ये क्या तरीका बात करने का। तरीका तरीका तो मैं से दिखाता हूं। चलो मेरे साथ। ऋषि ऋषि ये क्या तरीका है खींच के ले जाने का। शांति से नहीं बात कर सकता। अच्छे से बात बोलो इन्हें अच्छे से बात क्यों नहीं कर बोलो जवाब दो। तुम सबको जानते थे ना सबको जानते थे आज तक और फिर तुमने कैसे बताया मुझे ये लेटर लिखकर। हाँ क्या दोस्ती का नाटक फिक्र करने का नाटक क्यों किया तुमने सब क्यों किया तुमने सब। पता तो लगेगी क्या किया है नेत्रा ने। बोलो जवाब दो बाबा जी को। मैंने हमेशा तुमसे कहा कि मैं सिर्फ तनुजा से प्यार करता हूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ तनुजा से प्यार किया। मुझे सिर्फ तनुजा और नताशा चाहिए। मैं हमेशा तुमसे कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी चाहिए। और तुम
तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? अरे प्यार क्या, तुम तो दोस्ती के लायक भी नहीं हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पापा जी, जी आप लोग को ये बता दो कि इसे ये बताए कि नताशा मेरी बेटी है, और इसे इसे ये नहीं बताया कि इसे ये बात कहां से पता चली। और तनुजा और अभिषेक पति पत्नी नहीं है, वो सिर्फ उसकी केयरटेकर है, सिर्फ केयरटेकर, उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है पति पत्नी का। ऋषि मैं बताना, जस्ट शट अप। क्या कर रहा है? बुरा कोई नहीं होगा, एक लफ्ज नहीं और उनसे सिर्फ नफरत करता हूं, जस्ट शट अप। ऋषि बताइए, कुछ दिन पहले ना तानिया ने क्या किया, आंख के दर्द का बहाना बना के ताकि उसे आइसक्रीम मिले, टीचर तो टीचर प्रिंसिपल को भी उल्लू बना दिया। बाप रे। और हम तो स्कूल में अपने टीचर से कितना डरा करते थे। सही कह रही हो, मुझे तो यही डर लगा रहता है कि जब वो बड़ी होगी तो भी ऐसे ही रहेगी क्या। अरे नहीं, बड़ी होगी तो समझदार हो जाएगी, अभी तो छोटी बच्ची है, वो बदमाशियां तो करेगी और करनी भी चाहिए। मनप्रीत तुम कहाँ जा रहे हो, कुछ चाहिए? वॉशरूम जाना है। हाँ वॉशरूम वॉशरूम जाना है। शर्मा क्यों रहे हो, चले जाओ। तुम कहती हो कि नताशा बड़ी होके ठीक हो जाएगी, ये इतना बड़ा हो गया है लेकिन दिमाग से अभी भी बच्चा ही है। सब कुछ वैसे का वैसा ही है, पहले जैसा, कुछ नहीं बदला। सॉरी, शायद इसलिए लोग अपने अतीत के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि उससे तकलीफ होती है। अतीत इतना भी बुरा नहीं था कि उसके बारे में बात करके अफसोस किया जाए, जैसा भी था अच्छा था। ऋषि, ऋषि मेरी बात सुनो, ऋषि, ऋषि प्लीज, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ऋषि प्लीज एक बार मेरी बात सुनो, मैं आई थी तुम्हें बताने, पर वो रानू आंटी, ऋषि प्लीज, ऋषि, 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 मैं सच में तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, तभी तो मैंने ये चिट्ठी, इस चिट्ठी में पानी कैसे गिर गया? ये तो आधी है, इसका मतलब ऋषि ने वो बात पढ़ी नहीं कि मुझे ने मुझे और उसे एक साथ एक बेड पे, इसका मतलब ऋषि बस इस बात पे गुस्सा है कि मैंने शादी वाली बात देर से क्यों बताई। इसका मतलब उसे बस ये पता है कि तनुजा और अभिषेक हस्बैंड वाइफ नहीं है, वो उसकी केयरटेकर है। ये बात देर से बताने पे ऋषि को इतना गुस्सा आया, जब उसे रात वाली बात पता चलेगी तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। नहीं, मैं वो बात ऋषि को कभी नहीं बताऊंगी, रात वाली बात, सॉरी ऋषि, पर जब मुझसे तुम्हारा गुस्सा ही नहीं बर्दाश्त हो रहा तो मैं तुम्हारी नफरत कैसे सहूंगी। ओह, तो ये एके पीके का कमरा, चोरी बाबा आप खुल जाना।
ऋषि भाई, हेलो ऋषि भाई। अब ऋषि भाई क्या हुआ, इतने अपसेट, इतने गुस्से में? ये पूछ क्या नहीं हुआ यार, नेता झूठ का धोखा दिया मुझे यार। वो ये बात जानती थी कि नताशा मेरी बेटी नहीं, वो ये बात भी जानती थी कि तनुजा और अभिषेक के बीच में कुछ नहीं है, वो दोनों पति पत्नी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी केयरटेकर है बस। एनीवेज उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। हाँ, आपके पास कोई सबूत था क्या? नहीं था ना। लेकिन अब है, एक मिनट, क्या सबूत है? ये क्या है सबूत? खोलो खोलो, अपना सबूत अपने पास रख। अरे क्या हुआ? स्टूपिड। अरे इसका पासपोर्ट कैसे आ गया? ओह माय गॉड, अब तनुजा के सबूत का क्या होगा? मुझे आज एक लेटर मिला जो नेत्रा ने लिखा था अपने हाथों से। उसने साफ साफ लिखा था कि उसे ये बात पता लगी कि नताशा मेरी बेटी है स्कूल के एडमिशन सर्टिफिकेट से। मतलब अगर नताशा के बारे में उसे इंफॉर्मेशन स्कूल से पता चले तो अब नताशा की मां के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मुझे नताशा के स्कूल से ही मिलेगी। चल प्रिंसिपल प्लीज कुछ तो बता दीजिए, कुछ भी बता दीजिए प्लीज। देखिए मिस्टर ऋषि, मैं आपके इमोशन समझ सकती हूँ, पर मैंने तो सिर्फ एक तरफा कहानी सुनी है, एंड प्लीज डोंट माइंड, मुझे आपकी बातों पर पूरा भरोसा है। लेकिन अगर नताशा की मॉम आपके साथ नहीं रहना चाहती तो मैं उनके पेपर्स कैसे शेयर कर सकती हूँ आपके साथ? और दूसरी बात ये कि हम किसी भी स्टूडेंट की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऐसे शेयर नहीं करते। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए टोटली अंडरस्टैंड, अब चाहे वर्बली बता दीजिए कि नताशा किस फाइल में क्या लिखा है उसके एडमिशन। मिस्टर ऋषि, हमारे स्कूल में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं कि सबकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन याद रखना पॉसिबल नहीं है, और अगर याद होता तो भी मैं आपको नहीं बता पाती। आई कांट ब्रेक द रूल्स। लेकिन हाँ, अगर नताशा की मॉम कॉल करके मुझे परमिशन दे तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। कैसी बातें कर रही हैं? अरे नहीं, एक मिनट, नताशा की मॉम, रिलैक्स भाई, रिलैक्स, इट्स ओके, वी अंडरस्टैंड, चलो इट्स ओके, आ जाओ। अगर प्रिंसिपल इन्फॉर्मेशन दे देती तो क्या जाता उसका? अरे ऋषि भाई, प्रिंसिपल रूल्स नहीं तोड़ सकती यार। मेरा घर तोड़ सकती है वो? अरे नहीं, अच्छा सुनो, एक थर्ड क्लास आइडिया मेरे पास, बोलूं? देखो प्रिंसिपल ने क्या कहा था, प्रिंसिपल ने कहा था कि अगर नताशा की मॉम फोन करके बोलेगी तो वो इन्फॉर्मेशन देगी, राइट? तो नताशा की मॉम, क्या दिमाग खराब हो गया? मतलब तनुजा फोन करके बोलेगी कि ऋषि को इन्फॉर्मेशन दो? हाँ करेगी। अरे सुनो ना, कैसे करेगी? देखो ऐसे करेगी, देखो, हाय प्रिंसिपल, मैं तनुजा बोल रही हूँ। तेरा दिमाग खराब है भाई, सुनो। वो नताशा के एडमिशन फाइल कुछ दिनों से मिसिंग थी। अच्छा, तो इसीलिए प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन नहीं दे रही थी, अब समझ में आया। अब हमने नई फाइल बना ली है, तनुजा मैम से सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से मंगवा लिए हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ बताने के लिए बता रही है, आखिर ये भी मुझे फाइल्स देके रूल्स क्यों तोड़ेगी? ये रही नताशा की सारी इंफॉर्मेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एवरीथिंग। माफ कीजिएगा, जब आप प्रिंसिपल मैम को अपनी सारी कहानी सुना रहे थे, मैंने भी आपकी कहानी सुन ली थी। मुझे पहले से ही लगता था कि आप नताशा के मॉम से प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि नताशा के बर्थ से पहले ही आपका प्यार। किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं आपका? ये लीजिए, फाइल खोलिए और सच्चाई जानिए, आपकी खुशी मेरा सबसे बड़ा शुक्रिया होगा। इसमें उनकी पासपोर्ट की कॉपी भी है, शायद बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्होंने गलती से भेज दी। जानता था,
आज भी इसका नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ है। थैंक यू। एक मिनट। थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ ना बोलो। मनप्रीत, तुम अचानक से कहाँ निकल गए थे? पता है कितनी देर मैंने तुम्हारा इंतजार किया है वहाँ पे? अभी जाके मैं घर के लिए निकली हूँ। वेरी गुड, तुम एक काम करो, घर पे जाओ, आई विल सी यू देयर। ओके, लव यू, बाय। अरे मेरी, लव यू। पागल। अब देखना, अब जाके तुम जो सवाल करूंगा वो सवाल का जवाब जरूर देगी। अब देखना। तो चल। कौन है? अरे कौन है? तुम घर के अंदर बात करोगे या घर के बाहर? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कैसे बात नहीं करनी? कुछ सवाल है जिनके मुझे जवाब अभी चाहिए। ऐसे बार बार मेरा हाथ मत पकड़ा करो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है। हक है? प्यार का है, रिश्ते। प्यार प्यार प्यार, जब तक सिर्फ प्यार के बारे में बात करते रहते हो। माना कि 7 साल पहले मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन वो ऋषि सिंह बेदी कोई और था और ये ऋषि सिंह बेदी कोई और है। ये ऋषि सिंह बेदी 7 साल पहले मेरे लिए मर चुका। अरे 7 सालों को भूल जाता हूँ जा यार, प्लीज। देखो मैं चाहता हूँ कि वो प्यार जो पहले था वो वापस मेरी जिंदगी में आ जाए, क्योंकि मुझे पता लग गया कि तुम और अभिषेक। बस, अभिषेक के बारे में एक शब्द और नहीं सुनूंगी मैं। खबरदार, जो एक शब्द और अभिषेक के बारे में कहा था, सबसे जरूरी बात, अभिषेक अगर नहीं होता और ये दुनिया खत्म भी होने वाली होती ना, तो भी मैं तुम्हारे पास वापस कभी नहीं आती। तुमने आज तक सिर्फ मुझे दर्द दिया है। तुमने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था ऋषि। भगवान की कृपा थी जो उन्होंने जीने के लिए मुझे नताशा दे दिया। अब जहां नताशा रहेगी मैं भी वही रहूंगी। जब भी मेरे सामने आते हो तोड़ के रख देते हो मुझे। प्लीज मेरे सामने मत आए करो और चले जाओ यहां से। प्लीज जस्ट गो। कैच मी, कैच मी, कैच मी, कैच मी, कैच मी। ताशा, बच्चा रूम में जाओ। क्या हुआ बिस्तर सब? कुछ नहीं, मैं आपकी मामा से बात कर रहा था। नताशा, तुम प्लीज रूम में जाओ। ओके। तुम फिर से यहां आ गए? मैंने मना किया था ना मेरे घर मत आना। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अभिषेक प्लीज, प्लीज जाने दो। तुम्हारे ऐसी अच्छाई का फायदा उठा रहा है ये। तनुजा के बारे में सब मत कहना वरना। अरे वरना क्या कर लेगा तू? ऋषि, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज चले जाओ यहाँ से। प्लीज। और प्लीज अभिषेक, तुम भी समझने की कोशिश करो। बहुत समझ चुका हूँ, बहुत कुछ देख चुका हूँ। आखिरी दिन नहीं है, आज के बाद मैं कुछ नहीं समझूंगा, बता रहा हूं। अरे ऋषि भाई क्या हुआ? गाड़ी में भी कुछ नहीं बोल रहे थे, तनुजा ने कुछ कहा क्या? बोलो तो सही, हुआ क्या है? अरे ऋषि भाई मैं कुछ बोल क्या बोलूं? क्या बोलूं मैं? अगर मैं ये साबित भी कर दूं कि अभिषेक से उसकी शादी नहीं हुई तो कुछ नहीं हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि उसने मेरे मुंह पर बोला है कि अगर अभिषेक उसकी जिंदगी में नहीं होता फिर भी मेरे पास नहीं आते। कुछ भी हो जाए छोटे, तनुजा को वापस इस घर में लाना ही होगा। हमें हर हाल में लाना होगा। तनुजा ने मुझे मुझे साफ साफ कहा है वो नताशा के लिए कुछ भी कर सकती है, कहीं भी जा सकती है। अब हर हाल में मुझे नताशा की कस्टडी का केस जीतना है, हर हाल में जीतना है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए यार। क्योंकि अगर अगर केस हम जीते ना तो नताशा इस घर में आएगी, और नताशा इस घर में आएगी मतलब तनुजा को भी इस घर में आना ही होगा। अफसोस, अब और कोई रास्ता नहीं बचा यार। अभिषेक बहुत ही जिम्मेदार पिता है, वेरी रिस्पॉन्सिबल। तो सो कॉल्ड जिम्मेदार पिता से तुम्हारी शादी कब हुई? शुभ विवाह का डेट कौन सा था? देखो मैं चाहता हूं कि वो प्यार जो पहले था वो वापस मेरी जिंदगी में आ जाए, क्योंकि मुझे पता लग गया कि तुम और अभिषेक।
I'm sorry. तुम लड़कों की प्रॉब्लम क्या है यार? जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया कर दिया, उसके बाद सॉरी बोल दिया। क्या लगता है सॉरी बोलने से जो दर्द दिया है, जो जख्म दिए वो ठीक हो जाएंगे? वक्त लगता है, समय लगता है, कभी कभी तो जिंदगी भर लग जाती है। कि तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, दिल तोड़ दो, उम्मीदें तोड़ दो, फिर आके सॉरी बोल दो, हो गया। मैंने जो कहा उसके लिए मैं सॉरी नहीं बोल रहा हूं, जिस तरीके से कहा उसके लिए सॉरी बोल रहा हूं। अभी भी एक बात क्लियर कट बता देता हूं, आगे से अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आई एम टेलिंग यू अभिषेक, आई एम सॉरी। तुम लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है? जो मन में आए बोल देते हो, जो मन में आए करते हो, फिर सॉरी बोल देते हो, जैसे सॉरी बोलने से जो तकलीफ होती है वो चली जाएगी, वो नहीं जाती, रह जाती है। घाव इतनी जल्दी नहीं भरता, उसको वक्त लगता है। तनुजा तुम नहीं समझोगी। सुनो, ये लाइंस मैंने अभी तुम्हें बोली थी, मेरी लाइंस तुमने मुझे बोल दी। बोली तो बोली, दिल से भी नहीं बोल पाए। दिल से बहुत कुछ बोलना आता है, करना आता है, आने लगा है। दिल किसी पे आने लगा है। मेरा मतलब, मैं तुम्हें और तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूं, लेकिन उस ऋषि सिंह बेदी को मैं कभी नहीं समझने वाला। I give a damn about that baby. अभिषेक, हो सकता है तुम्हें ये मेरी कोई गलत फहमी लगे, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि ऋषि कुछ जानने लगा है, मतलब कुछ जान गया है हमारे बारे में। वो कुछ नहीं जानता। अरे वो सटके दिमाग का आदमी है, सर फिरा है। अगर उसको पता होता ना तो यहाँ सुपर ड्रामा क्रिएट कर रहा होता और पता नहीं क्या क्या कर चुका होता। ट्रस्ट मी, इसको कुछ नहीं पता, वो सिर्फ हमें परेशान करना चाहता है और कुछ नहीं। डोंट वरी। एनीवेज, दिल से सॉरी। नहीं अभिषेक, तुम ऋषि को नहीं जानते, मैं जानती हूं। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरा ये डर सच ना हो जाए।